नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक आपको ऐसा लॉन्चर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है, और इसे अगर आप अपने फोन में यूज करते हैं इस लॉन्चर को, तो आपका फोन जो है बहुत ही कमाल लगने वाला है, देखने में बहुत ही कूल लगता है। अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, तो इसी तरह से जो कि आप भी अपने स्क्रीन को ये लुक दे सकते हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना, प्लस के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि आपने अभी थंबनेल पे एक फोटो देखा था, उसी तरह का जो कि आप अपने फोन में कैसे वो लॉन्चर इंस्टॉल करके उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड से परमिशन मांगेगा, तो इसे आप परमिशन दे दीजिएगा अलाउ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद अब मैंने इसे सेकंड टाइम इसे यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कि मेरे से बोला कि जो इसका डिफिकल्ट है इसे हमें क्लियर कर देना, तो यहाँ से मैंने इसे क्लियर कर दिया। उसके बाद बोला था होम बटन दबाना है हमें अपने फोन का, तो मैंने होम बटन दबाया। उसके बाद यहाँ पर 3D लॉन्चर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपका फोन में जो है 3D लॉन्चर इंस्टॉल होकर के इसे ओपन भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अभी थोड़ी देर लोडिंग लेता है पहली बार, उसके बाद यहाँ पर आपको 3D पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो कि हमारे एप्लीकेशन जो लोड हो रहे हैं 3D में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे किसी भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसे ओपन भी कर सकता हूँ, और इसे मैं जो अगर जूम करना है या फिर मुझे इसे मूव करना है तो मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखने में बहुत ही कूल लगता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कितना आप बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह जो कि मैं किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से मूव कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करना है, तो सिंपली आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ यूनिवर्सल कॉपी जो है मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इस एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये एप्लीकेशन हमारा डायरेक्ट ओपन हो चुका है। इसी तरह से जो है कि आप अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को इसी तरह से ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना, प्रेस करने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।